अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्मॉल साइज़ शर्ट की स्टिचिंग शेयर करूँगी ये देखिए मैंने कहाँ कटिंग की हुई है बिल्कुल सिंपल जो छोटे चाक वाला कुर्ता होता है ये उसकी मैंने कटिंग की है इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी नए सीखने वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी यहाँ पर रहे मैंने जो कटिंग की है उसको हमने इस तरीके से जो सीधी साइड है उसको हमने अंदर वाली साइड पर कर लेना है ये नए सीखने वालों के लिए अगर वो स्टेप बाई स्टेप इसको फॉलो करते हैं बहुत इजीली ये सिंपल शर्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों की जो सीधी साइड है अंदर वाली साइड पे कर ली है और यहाँ से ऊपर वाली साइड से मैंने जो निशान लगाए हुए थे वहाँ से मैंने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है इस पॉइंट पे जैसे कि चाक मैंने छोटे रखे हैं हिप का इसका नहीं अंदाज़ा है, है नीचे से जितने चाक अपने रखने हैं वहाँ पे निशान लगा के हमने इस तरीके से सिलाई बाहर को नहीं निकालनी है उसकी सिलाई वापस लाननी है और इस तरीके से डबल करके उसको पक्का कर देना है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड से भी ऐसे स्टिच कर लेना है इसको यहाँ पर अब मैंने दूसरी साइड से भी उसी तरीके से स्टिच कर लिया इसको मैंने अब इसको हम खोलेंगे बंद करके भी आप उल्टी वाली साइड से भी स्टिच कर सकते हैं अब मैंने इसको सीधा किया और जो साइड वाले चाक होते हैं उसको हम पहले स्टिच करते हैं जो नीचे वाला घेरा है उसको बाद में करते हैं तो इस एक तरफ से हमने शुरू करना है सीधी सिलाई ले आनी है इसको हम अगर नए सीखने वाले हैं फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आयरन भी कर सकते हैं इसको पहले से फिर आसानी हो जाती है इस तरीके से हमने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है इस पॉइंट से अगली साइड से भी उस तरीके से ही फोल्ड कर लेना यहाँ सीधी एक सिलाई लगाएंगे और फिर से नीडल दबा के नीचे वाली साइड पे सीधी दूसरी वाली साइड पे सिलाई ले आनी है इस तरीके से जो है वो चाक की सिंगल सिलाई लग जाएगी ये छोटे चाक वाली शर्ट स्मॉल साइज़ में बहुत ज़बरदस्त लगती है मीडियम साइज़ में बड़े भी इसको बनाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त आजकल जो है वो ट्रेंड पे है तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है सिंगल जो डबल लगानी है वो हमने घेरे की फोल्डिंग करने के बाद लगानी है लेकिन अगर हम नीचे लेस का यूज़ कर रहे हैं तो डबल लगाने की जरूरत नहीं है उसकी डबल सिलाई सिर्फ हम साइड के चाक पे ही लगाएंगे ये इसी तरीके से जैसे हम सिंपल uh, शर्ट की स्टिचिंग करते हैं वैसे ही है बस इसका ये है कि हमने हिप का साइज़ नहीं रखना होता है इसको uh, सीधा नीचे तक ले आना होता है और दूसरा नीचे से जहाँ हमने चाक जहाँ तक रखने हैं उसका घेरा ज़्यादा होना चाहिए ताकि फ़्रॉक टाइप जो है वो इसकी लुक uh, आए अब ये होगी हुई है मैंने एक ब्लैक ही लेस का यूज़ करना है बिल्कुल क्योंकि आ, सिंपल सा मैंने जो है वो स्टफ़ रखना है तो इसलिए मैंने कोई फैंसी लेस नहीं यूज़ की करनी है बिल्कुल ब्लैक कलर की है जो अभी शायद वीडियो में इस तरीके से क्लियरली नज़र नहीं आए लेकिन वेयर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है अब यहाँ पर मैं फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ बाजू के फोल्डिंग वगैरह करके मैंने इसको रेडी कर लिया इसकी फाइनल लुक है उम्मीद है कि आपको स्टिचिंग इसकी समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा हमारी नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ